हमारी विधानसभा में मारा एमएलए साहब चंद्र बाण सिंह हत्या साहब सावे जो आप यो टिकट मत काट जो। चित्तौड़गढ़ री नारी शक्ति की आवाज सुन लो, माने तो चंद्रभान सिंह आक्या ही विधायक के रूप में छावे। माँ कालका माता को आशीर्वाद, चंद्रभान सिंह आक्या रे उपरे है और अणि चुनाव में तो आक्या ही जीतेगा। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की सरपंच सोसर देवी ने रविवार को आयोजित महिला सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित नारी शक्ति के समक्ष जब अपनी बुलंद आवाज में अपना संबोधन दिया, सोसर भाई ने कहा कि हम किसान महिलाएं अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आए हैं, अब तो चंद्रभान सिंह आक्या को एक बार पुनः विधानसभा में पहुंचा कर ही दम लेंगी। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या बड़ी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति पर भावुक उठे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विगत 10 वर्षों तक जो अपार स्नेह व आशीर्वाद मिला, उसको मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। व्यक्ति की असली पहचान उसके निर्णायक समय पर होती है और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि विधानसभा क्षेत्र की मेरी सभी माताएं बहनें मेरे साथ हैं। इन 10 वर्षों में क्षेत्रवासियों की तन मन धन से सेवा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे भी इसी ताकत से जनता की सेवा करता रहूंगा। आज़ादी के बाद से ही विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव नहीं जीतने के मिथक को भी क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से पहले से अधिक मतों से विजय होकर तोड़ा है। उसी स्नेह व ताकत के बलबूते पर व कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान करते हुए मैंने विधानसभा चुनाव का फॉर्म भरने का निर्णय लिया है और आप सभी के बलबूते पर चुनाव जीतकर भी दिखाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के विकास व कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। मारी विधानसभा में मारा एमएलए साहब चंद्र बाण सिंह हत्या साहब सावे जो आप यो टिकट मत काट जो, मारी आवाज ने पहचान जो, नारी शक्ति ने पहचान जो। ये शक्ति इतनी आई दिमुशियार गुना शक्ति है। तो एमएलए साहब ने जीता विजय कर जनता विजय करेला मैं नहीं कराला। मोदी जी आप मारी आवाज ने पहचान जो और टिकट ने जारी कर जो। तो भी एमएलए साहब ने मैं जीता वाला मारी आवाज नहीं पहचानो ला। तो आप मारी नारी शक्ति राजस्थान की शक्ति ने पहचान जो, शक्ति जबरदस्त है राजस्थान की। आज नारी शक्ति इतनी बेड़ी हुई काम धंधो अमला भेज रही है सीपी दी टोपी छोड़ आया। और डांडा पेशा को दूध का तो ही छोड़ चंदन पान के लिए आ गया वहां। आप मारी शक्ति को पहचान जो, राजस्थान की शक्ति को पहचान जो और चंद्रभान सिंह आत्या साहब को टिकट जारी कर जो। और मारी बेना माता आप काम धंधा ने छोड़ ने 10 दिन 5 दिन आप एमएलए साहब का बोटा में लगी रही जो। तो ये आपके आधी रात में दौड़िया आवेला आप माता बेना आप कई भी कर जो, पर एमएलए साहब ने जीता विधानसभा में लाना है। जय हिंद जय भारत। समय बदलो है तो वे ताकत लगा नटमू ने कर सके, पर समय ने वापस करोट बदलेगा। क्या मारा इष्ट पे, मारा काम पे, मारी बेना पे, मारा भाया पे और मारा लोगों पे मने विश्वास है कि एक दिन समय वापस आवड़ो है, वापस लौट रहा है और समय ने मुंह नहीं भूलूंगा। मारी बेना ने सबने विनती है हाथ जोड़ने है कि यो समय कम है, अरे समय को आप पूरा उपयोग कर जो, सब लोग ताकत उखड़ा लीजो और जनीधन भी फार्म भरवा को मौको है। यह संख्या तो बहुत कम आई है, जनीधन आप कम सोचा 60-70 हजार की संख्या होगा तो मैं फार्म भरूंगा, जननानिया होगा तो मैं फार्म नहीं भरूंगा। यह ध्यान रख ले, चुनाव लड़ा रहा है नी तो बलन के रूप में किस तरह देखते हैं ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जिस प्रकार का 10 साल में मैंने इन बहनों के साथ काम किया है, इस प्रकार का मैंने काफी दिन से बात करी थी कि एमएलए साहब एक बार आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। मैंने कहा एक सम्मेलन रख ले, सम्मेलन के द्वारा आज
हजारों की तादाद में यहाँ जो मेरी बहनें आई है, बहनें एक छोटे भाई को जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र का आशीर्वाद देने आई है और इस रक्षा सूत्र का लास्ट तक साथ देगी, इस प्रकार का बहनों ने संकल्प लिया है। और मैं सोच सकता हूँ इस संकल्प में बहनों के बल बूते पर ये जो 2023 का चुनाव है, इन बहनों के आशीर्वाद से, छोटी बहनों के आशीर्वाद से, बड़ी बहनों के आशीर्वाद से मैं चुनाव हजारों की तादाद में जीतूंगा। और मेरी जिस प्रकार का इनका स्नेह और प्यार है, प्रेम है, तो इन बहनों के प्रेम के कारण मैं इस चुनाव को जीतूंगा। की तारीख नामांकन की 2 तारीख भी है और आगे पीछे भी है तारीख, 100% नामांकन भरने का 2 तारीख को है, पर आज शाम को हम सब लोग बैठेंगे जो मेरे विधानसभा के 50-60 लोग जो सभी हैं वो करके आज ही तारीख फाइनल करके आपको तारीख बता के वो सभी काम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फार्म भरने आए, इस प्रकार का संकल्प लेके उसको फार्म को हम भरेंगे।